नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। निकाय प्रशासकों का फिर बढ़ा कार्यकाल। शनिवार को शासन ने जारी की अधिसूचना, नए बोर्ड के गठन तक कार्यकाल बढ़ाया गया। 2 सितंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल। आरक्षण के लिए ओबीसी सर्वे का दिया गया है हवाला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कार्यकाल को बढ़ाया गया है नए बोर्ड के गठन तक। तो आपको बता दें कि 2 सितंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल, जिसको बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में आरक्षण के लिए ओबीसी सर्वे का हवाला भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर निकाय प्रशासकों का एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। साथ ही शनिवार को शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और नए बोर्ड के गठन तक यह कार्यकाल बढ़ा रहेगा। अब जब तक नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, तब तक यह कार्यकाल बढ़ा हुआ रहेगा और 2 सितंबर को खत्म होने जा रहा था यह कार्यकाल, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। और साथ ही आरक्षण के लिए ओबीसी सर्वे का भी इस दौरान हवाला दिया गया है। और सब बताता हिमांशु गोड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, कब तक ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल विशाल, निकाय प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि राज्य में आंतरिक व्यवस्थाओं का हवाला है, ओबीसी आरक्षण का हवाला देते हुए जो है निकाय चुनाव का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में 3 महीने की समय अवधि एक बार फिर सरकार ने दी है और जल्द ही अब 3 महीने तक जो है प्रशासक ही निकायों का संचालन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी अंतिम अगला आदेश क्या आता है और कब निकाय चुनाव के लिए सरकार एक तय समय अवधि बनाती है। तो इसको हिमांशु, पक्ष और विपक्ष के नेता किस तरह से देख रहे हैं इस आदेश को? क्योंकि लंबे समय से यही देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव होने थे, लेकिन पहले भी जो अवधि थी वो बढ़ी थी और अब एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, निकाय प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से प्रदेश में जो है सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार के मनचाही चुनाव करवाने के लिए सरकार हार के डर से जो है निकाय चुनाव में विलंब करा रही है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वह बैकफुट पर है। लेकिन भाजपा के जो तमाम नेता है उनका ये कहना है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण है क्योंकि रिपोर्ट आनी बाकी है और इसके चलते प्रदेश में और भी जो अव्यवस्थाएं हैं उसके चलते कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में विलंब कराए गए। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शनिवार को सीएम धामी ने जिला अस्पताल में पहुंचे हैं सीएम धामी और चंपावत में यह आयोजित कार्यक्रम किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, जिसमें उन्होंने 5,18,68,000 रुपए की धनराशि से स्थापित सीटी स्कैन मशीन का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। साथ ही मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी सीएम धामी ने दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि आदर्श जिला बनने की ओर जिला चंपावत दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जिले में विकास कार्यों के साथ ही लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आदर्श चंपावत, आदर्श उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना है उस परिकल्पना को लेकर जहाँ यहाँ साइंस सिटी बन रही है, अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में हैं। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन है, जल्दी बन जाएगा, तो आने वाले समय में MRI की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं, जैसे जैसे उपलब्धता होगी यहाँ डॉक्टर को भी पर्याप्त संख्या में यहाँ भेजने का काम होगा कि सीमांत क्षेत्र चंपावत के लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत परेशान न होना पड़े, उनको सुविधाएं यहीं पर मिले, उसके सब प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
ने चंपावत दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग निरीक्षक भवन के प्रथम तल पर सभागार और कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण किया है। साथ ही चंपावत कार्यालय में जिले के वरिष्ठ जनों और नागरिकों से जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को भी उन्होंने सुना है। नागरिकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि आदर्श जिले की परिकल्पना तभी हो सकेगी जब वरिष्ठ जनों के अनुभव इसमें साझा होंगे। सीएम ने कहा है कि जनता की सेवा ही हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक प्रदेश की स्थायी राजधानी को लेकर सियासत हो रही है। प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत की मांग की है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। पिछले दिनों इसे लेकर हरीश रावत ने गैरसैंण में उपवास भी किया, लेकिन बात अब उपवास तक सीमित नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता गैरसैंण को लेकर बयानों की मर्यादा तार तार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए। समय उनके हिसाब से है, जो सही रास्ता प्रभु ने दिया तो उस हिसाब से तो हम सबसे पहले हरीश रावत जी को जाना। किससे पहले इस दुनियादारी को छोड़कर जाना है, ये हम इंसानों की समझ से परे है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के दो बड़े सियासी दिग्गज अपनी बातों को मीडिया में ऐसे कह रहे हैं जैसे सब कुछ इन्हें पहले से ही पता है। सियासत में आरोपों की राजनीति देश भर में होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नेता दूसरे नेता के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे कि उसे सुनकर ही सियासत के नाम पर नफरत हो जाए। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली, बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के एक साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया। देखिये हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं ना कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया, और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज जो उनको तो गत में लाया और लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे लाने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। उम्र और मानसिक संतुलन को लेकर की गई टिप्पणी पर हरीश रावत ने चुटकी ली। हरदा ने कहा कि इससे पहले भी कई लोग इस तरह की आकांक्षा पाल चुके हैं, जिनमें से कुछ तो ऊपर चले गए। बहुत कई लोग इससे पहले भी इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं। कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए हैं ऐसी आकांक्षा पालने वाले, कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए हैं। तो ये तो बहुत लोगों की आकांक्षा रही। दरअसल राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मीडिया में एक बयान दिया था कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालीन राजधानी घोषित हो चुकी होती। हम जिस तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, चार डिवीजन वहाँ खड़े कर दी थी, यूहुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और जिला बनाने की प्लानिंग कर ली थी, और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रोविजन करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, उस अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पर, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। वो मिजोरम नहीं जाना चाहते थे,
और इसलिए वो हमारे बजट को लेकर के बजट के ऊपर बैठ गए और उसको जो बिल था वित्त विधेयक था उसको उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, अनुमोदन नहीं दिया। गैरसैंण का मुद्दा प्रदेश में राजनीति का केंद्र बना रहता है। गैरसैंण में सत्र के बाद से प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है और जुबानी जंग भी ऐसी जिसमें कि शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। ऐसे में अब जुबानी जंग आगे कहां जाकर रुकती है यह तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में लगातार ये मामला बढ़ भी रहा है। विधायक के एक और बयान पर अब सवाल उठने शुरू हो गए। राज्य आंदोलनकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि विधायक को देवभूमि के बारे में ज्ञान ही नहीं है। उत्तराखंड में धर्मनगरी हरिद्वार के खानपुर से विधायक उमेश कुमार एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है और इस बार राज्य आंदोलनकारियों ने विधायक के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को देवभूमि उत्तराखंड के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो ये आप जिक्र कर रहे हैं कि खानपुर के विधायक जी ने आयोग के अंदर एक पत्र भेजा है कि समूह ग आदि पदों पर जो गढ़वाली और कुमाऊनी हैं वो भाषाएं ना उनके सिलेबस या उनसे संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं, ये बिल्कुल अनुचित है। आप पूछिए क्यों अनुचित है, तो ये इसलिए अनुचित है कि सबसे पहले तो विधायक जी को उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। ये राज्य इतने लंबे संघर्षों और शहादतों के बाद मिला है, तो मूल अवधारणा को समझेंगे तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं लिखेंगे। दरअसल हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड अधिनिय सेवा चयन आयोग यानी UK SSSC को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आयोग के समूह ग में गढ़वाली और कुमाऊनी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। इसी पत्र पर राज्य आंदोलनकारियों ने कई सवाल उठाए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या विधायक उमेश कुमार का देवभूमि उत्तराखंड वासियों से लगाव नहीं है? किसी भी अधिकारी और कार्मिक के लिए वहाँ की बोली, भाषा, समस्याएं, उनका समाधान, रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा, वेशभूषा जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो ये जानेगा तभी तो वो एक समाधान निकालने वाला अधिकारी बनेगा। जब बोली भाषा का ज्ञान नहीं होगा, लोकल लेवल पे जब हम इंटीरियर में जाते हैं, रिमोट्स में जाते हैं या इवन जनपद मुख्यालय में भी जाते हैं, तो पब्लिक से जब इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं, तो आसानी से संवाद तब हो पाता है जब हम लोकल लैंग्वेज को समझे। तो इसलिए खानपुर के विधायक जी खानपुर को ही पूरा उत्तराखंड न समझे। उत्तराखंड 13 जनपदों का है और ये बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक सांस्कृतिक संरचना का ये प्रदेश है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी का चयन होता है तो राज्य के अलग अलग जिलों में सेवाएं देते हैं, लिहाजा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए वहाँ की भाषा खान पान जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी अधिकारी को लोकल भाषा की जानकारी नहीं है और वो वहाँ पहुँच गया तो फिर कैसे स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि विधायक सिर्फ खानपुर को ही पूरा उत्तराखंड न समझें। उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच लगातार राज्य बनने के बाद से इस बात को लेकर मुखर रहा है कि हमारी जो भी जो प्रतियोगी की परीक्षाएं जो होती हैं भर्तियों को लेकर, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, अधिनय चयन आयोग हो या उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रहा हो, जो भी एजेंसी हमारी परीक्षाएं करती हैं उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो हमारी स्थानीय भाषा जो जहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है, जनता उन अधिकारियों उन कर्मचारियों की बातों को ठीक से समझ सके, एक दूसरे का जो होता है साक्षात्कार में जो है उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, काम करने में आसानी होती है। और ये केवल उत्तराखंड में ही नहीं है, ये चाहे हिमाचल हो, आप महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दक्षिण भारत हो या हमारे हिमालयी राज्यों में, आप कहीं भी इस चीज़ को देखेंगे सब जगह यही व्यवस्था है, कोई यहाँ स्पेशल नहीं हो रहा है। बात सिर्फ एक राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान तक सीमित नहीं है। एक और राज्य आंदोलनकारी यानी प्रदीप कुकरेती ने भी विधायक के पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
प्रदीप कुकृति ने कहा कि राज्य बनने के बाद से लगातार ये मांग उठती रही है कि राज्य में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें स्थानीय भाषा को शामिल किया जाए और विधायक भाषा को लेकर सवाल उठा रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। किसी भी विधायक ने अगर लोक सेवा आयोग को हरिद्वार के अभ्यर्थियों की पीड़ा से अवगत कराया है कि उनको 200-300 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है, ये तकनीकी विषय है और लोक सेवा आयोग को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। अगर इसका समाधान निकल सकता है तो समाधान भी निकालना चाहिए। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को सुविधा हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ तक गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा ज्ञान का सवाल है, मुझे लगता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में तो कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं इस राज्य में। हाँ, उनसे संबंधित जो भी विषय हों, जो भी सामान्य ज्ञान की जानकारी हो या भाषा संस्कृति से जुड़े हुए सवाल हों, भौगोलिक ज्ञान से जुड़े हुए सवाल हों, तो निश्चित तौर पर सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नौजवान को अपने प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर इसका अध्ययन भी छात्र करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो गढ़वाल और कुमाऊं के नौजवान हों, चाहे वो तराई के नौजवान हों। निर्दलीय विधायक के पत्र पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अगर विधायक की मांग पर कोई गुंजाइश है तो उसे देखना चाहिए, लेकिन राज्य की संस्कृति और भाषा के बारे में भी युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। विधायक उमेश कुमार के पत्र के विरोध में हरिद्वार में एक संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और विधायक की सोच पर भी सवाल उठाए। दरअसल उमेश कुमार हमेशा से ही विवादों में रहे हैं। विधायक बनने के बाद से कई बार उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठे। पूर्व विधायक चैंपियन ने कुछ महीनों पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें विधायक एक लड़की के साथ दिखे थे। इसी महीने गैरसैंण में मॉनसून सत्र के दौरान भी विधायक ने सदन में एक ऐसा बयान दे दिया था कि अब तक उसकी जांच की मांग की जा रही है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि उमेश कुमार का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भगवानपुर करौंदी सोमवीर के आवास पर भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दर्जनों किसान पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया है कि जिले के किसानों पर सरकार की ओर से स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, उनका किसान विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से विधायकों का 1,80,000 रुपये का बढ़ाया गया है, उसी तर्ज पर किसानों का भी 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति सालाना किया जाए। वो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवानपुर क्षेत्र में गांव करौंदी में मुन्नू के हमारे मंडल उपाध्यक्ष के आवास पर सोमवीर सिंह के, हमारे किसानों की, जिले के किसानों की बहुत समस्याएं हैं। एक तो जो सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर योजना बिजली के लगाई जा रहे हैं, वो योजना लाई गई, हम ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्योंकि किसान एडवांस में पैसा नहीं दे सकता। जिस तरीके से किसान की फसल का एडवांस में सरकार भुगतान नहीं करती, उसी तरीके से किसान भी बिजली का भुगतान एडवांस में नहीं करेगा। भारतीय किसान यूनियन स्मार्ट मीटर का पूर्ण रूप से विरोध करेगी। दूसरा, हमारा जिस तरीके से विधायकों ने 1,80,000 रुपये अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिया, उसी हिसाब से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो किसानों के 6,000 की बजाय 20,000 रुपये साल में किसानों को दिए जा। एक, किसानों के जो खाद और बीज है कृषि विभाग के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी घोटालेबाजी करी गई। जो भी उस घोटाले में लिप्त था, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान। रुड़की के माधोपुर गांव में हुई वसीम उर्फ मोनू की मौत के बाद राजनीतिक तूल बढ़ता ही जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत, करण महाराज समेत तमाम कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर रुड़की तहसील का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। देखिए, जो हालात है पूरे प्रदेश के, सबसे बदतर हो चुके हैं। कानून नाम की चीज नहीं है, कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और अपराधियों का हौसले बुलंद है।
जिस तरह से पंतारा में एक दलित बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है। हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माणधीन भवन को सील कर दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। सीलिंग से छेड़छाड़ की गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रतिभाग इस दौरान किया है। रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आरणी सिंह अरोड़ा जी, पूर्व सांसद आरणी महेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल निंद्रा जी, हमारे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को एक शुरुआत के कारण से हुई, उनमें से एक प्रमुख नाम जिन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अनेक बार इस आवाज को उठाया, आदरणीय काशी सिंह हैरी जी, हमारे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कैप्टन शेर सिंह निगारी जी, हमारे जो हर वर्ष इनका यहाँ प्रयास रहता था कि राज्य के कोई न कोई महानुभाव यहाँ आकर हमारे उत्तराखंड को, हमारे बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि दें, ऐसा प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय दाम सिंह रावत जी, शांति जाला जी, रामू जोशी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर जी, राजपाल सिंह जी, उत्तम दत्ता जी, हमारे सहयोगी किसान नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, हरीश चंद्र जोशी जी, चंद्र सिंह खरायत जी, भुवन भट्ट जी, श्री रंजीत पोखरिया जी, अमित पांडे जी और प्रमुख राज्य आंदोलनकारी जो आज हल्द्वानी से हम सबके मध्य आए हैं, आदरणीय हुकुम सिंह कुंवर जी, श्री विकास शर्मा जी एवं हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक और सभी हमारे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारे बलिदानियों के जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, सलीम जी अब्दुल रशीद, सलीम जी के पिताजी अब्दुल रशीद जी, नानक सिंह जी, देवकी देवी जी, नरेश चंद जी, जगत सिंह मनोला जी, अमित भट्ट जी एवं आए हुए सभी हमारे राज्य आंदोलनकारी, मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। जैसा अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके कारण से उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज का दिन उन महान लोगों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें से अनेक अनेक लोगों ने जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी माँ की ममता को भी पीछे छोड़ दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।